हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टिस्टी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जितने भी यहाँ पर देखिए BTOP लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और देखिए एकदम आप कॉलेज आपको जाना एकदम सुनिश्चित कर देना है। जो स्टूडेंट्स देखिए अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं कॉलेज के बारे में, और ध्यान दे दें सभी स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखिए शेयर करिए ताकि उन सभी को पता चल सके। देखिए नहीं तो आप क्या है, स्कॉलरशिप से भी वंचित रह जाएंगे, स्कॉलरशिप भी आपकी नहीं आएगी और आप एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली यहाँ पर बातें हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा मैटर भी करती हैं, डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू किए जाने हेतु 2 चरणों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, विवरण दिया हुआ है। और बाद में कोई भी स्टूडेंट्स मुझसे ये ना कहे कि सर मुझे आपने इन्फॉर्म नहीं किया या नहीं बताया गया, जी इसीलिए क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जितना भी हम आपको बता देते हैं वो स्टूडेंट्स क्या हैं, सचेत हो जाते हैं, ठीक है, एकदम यहाँ पर उनको नोटिफिकेशन पहुँच जाता है, उनको जानकारी हासिल हो जाती है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले बता दें कि देखिए जब भी क्या है आपका, अभी हम इसको भी दिखाएंगे एकदम विद प्रूफ, यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले बता दें कि स्कॉलरशिप जो है ये आपकी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो क्या है, रजिस्ट्रेशन करके उनको फॉर्म फिलअप करके उसके बाद स्कॉलरशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस उनको करना पड़ेगा। और स्कॉलरशिप देखिए 75% अटेंडेंस मांगती है, ठीक है, अटेंडेंस जो है वो कितना 75% से लेस देन अगर हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा तो आपका स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, ठीक है। अटेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी लेस देन हो गई यानी कि 75% से कम हो गई, ठीक है, 75% से, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, ठीक है, ये रूल है। आप देखिए यहाँ पर वैसे आपकी 75% हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें एग्ज़ाम में तो यही प्रोसेस आपका एग्ज़ाम में भी है। और अटेंडेंस देखिए इसलिए मैटर करता है क्योंकि आपका इसमें मार्क्स भी, जो इंटरनल मार्क्स मिलता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं इंटरनल मार्क्स की, तो इंटरनल जो मार्क्स होता है इसका भी यहाँ पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर अटेंडेंस है तो 8 नंबर आपको अटेंडेंस का ही मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है वो अटेंडेंस वगैरह, ठीक है, और टेस्ट वेस्ट का लेकर सब कुछ इंटरनल मार्क्स तब ऐड किए जाते हैं, तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, जो अपडेट है आपका अभी नवंबर में ही अपडेट ये निकाला गया है BTOP द्वारा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सीधा। और देखिए यहाँ पर सारा कुछ आपको दिखाते हैं, सबसे पहले एकदम लास्ट में हम चलते हैं और आपको यहाँ पर जो बायोमेट्रिक है, ठीक है, बहुत पहले ही रूल आया था बायोमेट्रिक वाला, बट किस इंस्टीट्यूट में फॉलो हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, सारा कुछ आप यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू किए जाने हेतु 2 चरणों का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि प्रथम चरण है, ये वित्तीय वर्ष यानी एनुअल ईयर जो है 2023-24 के लिए, देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, लखनऊ से, इसमें भी यहाँ पर लागू है। मेडिकल फैक्ट्री जो है स्टेट मेडिकल फैक्ट्री, UP होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में भी ये लागू हो गया है, ठीक है, आयुर्वेद योगा और यूनानी तिब्बी बोर्ड में भी ये लागू हो गया है, ठीक है, बायोमेट्रिक जो आधार बेस्ड है। और यहाँ पर BED वगैरह, ठीक है, समस्त राज्य विद्यालयों से संबद्ध BED पाठ्यक्रम वाले संस्थान में भी ये लागू हो गया। अब समस्त निजी विश्वविद्यालय जो उसमें भी लागू हो गया। अब यहाँ पर 2024-25 का भी आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए ऑफिशियल एकदम यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर आप सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और देखिए एक चीज़ और बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगी कि किन स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूट में ये बायोमेट्रिक लग गया है, ठीक है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट में रूल आने के बाद लग गया है और अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और कुछ इंस्टीट्यूट में क्या है आ गया है और लगा है और उसके बाद वो प्रोसेस में है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यू स्टार्ट भी है, चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, 75% से लेस देन ना हो आपकी परसेंटेज जो है अटेंडेंस, ठीक है, 75% से आपकी कम ना हो, तो ये सारा कुछ आपको ध्यान देना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर करिए। और एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट्स को, देखिए जो ऑड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑड सेम के, तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर, ये ऑड सेमेस्टर जो हैं, ठीक है,
फर्स्ट और थर्ड ये तो आपकी क्लासेज जो है महामैराथन क्लास, जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। और देखिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है इनकी तो अभी स्टडी नहीं चली होगी, क्योंकि देखिए ये अभी एडमिशन लिए होंगे, अभी आए हैं कॉलेज में, ठीक है, और इनको पता भी नहीं है। तो देखिए सारा कुछ आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, आपको नोटबुक भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल जितना हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे वो आपको स्टडी करना है 100% गारंटी के साथ। 101% गारंटी है कि आप एकदम अच्छे परसेंटेज गेन करेंगे, ठीक है। और देखिए ये कहाँ से आपकी स्टडी होगी, फर्स्ट और थर्ड की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, फिफ्थ वालों की अभी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड की जो है भविष्य का जेई चैनल पर चलेगी। कहाँ पर? भविष्य का जेई, ठीक है, इस चैनल पर आपको जाना है, जल्दी से ज्वाइन हो जाना है। और यहीं पर आपकी क्लासेज एकदम महामैराथन क्लास 1 मंथ में ही आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि देखिए आपकी जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत ही नज़दीक है। और अब बात कर लेते हैं हम फिफ्थ सेमेस्टर की। तो फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पर आपको क्लासेज प्रोवाइड होंगी, महामैराथन क्लास, ठीक है। एकदम विद डिटेल्स में आपको एकदम सारा कुछ कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा, माइंडसेट हो जाएगा। और इसका देखिए जो भविष्य का जेई चैनल है, भविष्य का जेई, ये आपको इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे या आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।